लोकसभा में आज से शुरू होगी बजट पर बहस। बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे तय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किया बजट। 30 जुलाई को बजट पर बहस के बाद दे सकती हैं जवाब। बजट पर संसद में आज विरोध प्रदर्शन करेगा विपक्ष। बजट को भेदभावपूर्ण बताया। कांग्रेस के सांसदों की आज सुबह 10 बजे होगी बैठक। बजट सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। बजट पेश होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर इंडिया अलायंस की बैठक। संसद सत्र में चर्चा के लिए बनी रणनीति। मोदी सरकार के बजट में न्यू टैक्स रिजीम में राहत। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया। 17,500 रुपए का सीधा फायदा। 5 साल में 4 करोड़ नए रोजगार देगी सरकार। नौकरियों के लिए 1,00,000 करोड़ खर्च करेगी। पहली नौकरी में 3 किस्तों में 15,000 रुपए देगी सरकार। ईपीएफओ अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के साथ मिलेंगे 5,000 रुपए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 30 लाख युवाओं को नौकरी के अवसर। वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर के लिए खोला खजाना। मुद्रा लोन 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया। बजट में सियासी गठबंधन को बड़ा तोहफा। नीतीश नायडू के बिहार और आंध्र के लिए 74,000 करोड़ रुपए का ऐलान। बिहार को 58,000 करोड़ से ज्यादा मिला। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़। नेचुरल फार्मिंग से किसानों के जोड़ेगी सरकार। 32 फसलों के लिए 109 किस्मों लॉन्च करेगी सरकार। कैंसर की 3 दवाई हुई कस्टम ड्यूटी फ्री। मोबाइल फोन मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क को 15% घटा। सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6% हुआ। चमड़े से बने जूते इलेक्ट्रिक गाड़ियां सोलर पैनल सस्ते होंगे। शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ का पैकेज। मजदूरों के लिए सस्ते घर की हाउसिंग स्कीम। मुफ्त राशन योजना 5 साल के लिए बढ़ाई गई। देश के 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनेंगे। रक्षा क्षेत्र में देश और होगा मजबूत। बजट में रक्षा मंत्रालय को मिले 6,21,000 करोड़। रक्षा मंत्री राजनाथ ने जताया आभार। पीएम मोदी ने कहा यह मिडिल क्लास को ताकत देने वाला बजट। युवाओं को असीमित अवसर मिलेंगे। पीएम मोदी ने कहा यह बजट विकसित भारत के लिए है। आर्थिक विकास में तेजी आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को दूरदर्शी बताया। कहा देश के विकास को मिलेगी गति। बिहार को 58,000 करोड़ का फंड मिलने पर बोले सीएम नीतीश। फंड मिलने से प्रदेश को फायदा मिलेगा। बिहार के उत्थान के लिए केंद्र ने बड़ा कदम उठाया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बिहार को मिला सुपर पैकेज। महिला युवा किसान गरीब का रखा गया ध्यान। आंध्र को 15,000 करोड़ का फंड मिलने से खुश बीजेपी सांसद। जश्न में काटा केक। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री पर जताया आभार। कहा राज्य की जरूरतों को पहचानने के लिए शुक्रिया। सीएम योगी ने बजट को सबके विकास का बजट बताया। कहा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में बढ़ने वाला बजट। राहुल गांधी ने बजट की कुर्सी बचाओ बजट बताया। कहा दोस्तों और सहयोगियों को खुश करने पर रहा फोकस। ये देश की तरक्की का नहीं मोदी सरकार बचाओ बजट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। अखिलेश यादव ने बजट को नाउम्मीदी वाला बताया। कहा युवाओं की पक्की नौकरी का कोई इंतजाम नहीं। बजट में यूपी जैसे बड़े राज्य को कुछ भी नहीं मिला। सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान। ममता बनर्जी ने बजट को दिशाहीन करार दिया। कहा यह बजट राजनीतिक विजन के लिए बनाया गया। बजट में महंगाई कम करने को लेकर कोई प्रावधान नहीं। आप सांसद संजय सिंह का सरकार पर अटैक। यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का मोदी सरकार पर तंज। प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना है बजट। निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक को खाली बर्तन पकड़ा दिया। बजट को लेकर कर्नाटक सीएम का निशाना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विपक्ष को जवाब। 37 पार्टियों का अलायंस मिलकर भी 230 सीट ही जीत पाया। वो कुर्सी बचाने की बात ना करे तो बेहतर। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री का जोरदार स्वागत। महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय पर किया अभिनंदन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट को बताया ऐतिहासिक। कहा यह बताता है कि आज जो भारत विश्व स्तर पर अग्रसर हो रहा है। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा का बजट को लेकर बयान। कहा हमने आज तक इतना अच्छा बजट नहीं देखा। इस बजट से पीएम मोदी का विकसित भारत का विजन पूरा होगा। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने बजट को बताया प्रशंसनीय। कहा बजट में हमारी जितनी भी चिंताएं थी उनका समाधान करने का प्रयास किया गया। पीएम बधाई का पात्र है। इस बजट से किसानों को नहीं होगा कोई फायदा। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। चिराग पासवान बोले बजट में बिहार का पूरा ध्यान रखा गया। विकास में तेजी आएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट को नए भारत का बजट बताया। कहा कौशल विकास और रोजगार के जरिए युवाओं को मदद मिलेगी।
सीएम स्टालिन ने बजट में तमिलनाडु को अनदेखा करने का लगाया आरोप, कहा 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक का करूंगा बॉयकॉट। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघ के नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात, अभी तक किसी औपचारिक कार्यक्रम का ऐलान नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले सितंबर तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर कांग्रेस का अटैक, कहा इशारे पर चलने वाली सरकार के खिलाफ बनाई रणनीति। प्रदीप भंडारी बने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जेपी नड्डा ने किया नियुक्त। रक्षाबंधन से पहले एमपी सीएम की लाडली बहनों को सौगात, 1 अगस्त को खाते में ट्रांसफर होंगे 250 रूपए। 250 रूपए देने पर जीतू पटवारी का अटैक, प्रदेश की बहनों के साथ मोहन सरकार ने धोखा किया। कर्नाटक विधानसभा में ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल पेश, महानगर निगम को अलग अलग जोन में बांटने का प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा पुंछ और राजौरी में चल रही है बड़ी कार्रवाई, सेना ने कुपवाड़ा में 2 से 3 आतंकियों को घेरा। जम्मू के मेंढर सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, ऑपरेशन में लांस नायक सुभाष हुए शहीद, 1 आतंकी को मार गिराया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, डॉक्टर से मुताबिक हालत स्थिर और ठीक है। लालू यादव को बीपी बढ़ने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती, जांच के बाद डॉक्टर आगे की कर रहे हैं जांच। शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। दोबारा नहीं होगी नीट परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने माना पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोबारा एग्जाम से 24 लाख छात्र प्रभावित होंगे, आज से काउंसलिंग शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले दोषियों को नहीं बख्शेंगे, राहुल पर अराजकता फैलाने का लगाया आरोप। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने फैसले पर जताई निराशा, कहा देश में क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार ने किया स्वागत, केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार बोले कोर्ट ने भी माना बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ। मुंबई में नेवी चीफ ने युद्धपोत INS ब्रह्मपुत्र का लिया जायजा, 21 जुलाई को लग गई थी आग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा, सोशल मीडिया पर लिखा असम में रक्षा गलियारा स्थापित करने को लेकर सकारात्मक हुई चर्चा। आज से शुरू होगी मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो, प्रमुख क्षेत्रों जैसे कोलाबा SEEPs और बांद्रा को जोड़ेगी। कर्नाटक सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, ईडी अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच पर रोक, मुआवजा देने में लापरवाही बरतने पर सीएम योगी का एक्शन, 5 जिलों के ADM को चेतावनी दी गई, 3 SDM से मांगा स्पष्टीकरण। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज गैंग पर UPSTF का शिकंजा, सिम बॉक्स के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार। बरेली में युवक की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की, अब तक 35 दंगाइयों की हो चुकी गिरफ्तारी। बलिया में रोहित हत्याकांड में प्रशासन का एक्शन, मुख्य आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। उत्तराखंड के रुड़की में कावड़ियों का उत्पात, ई रिक्शा ड्राइवर की जमकर पिटाई की, ई रिक्शा में तोड़फोड़। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने की अधिकारियों के साथ मीटिंग, सावन में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर चर्चा। नोएडा ज्वाइंट CP ने कावड़ यात्रा के रास्तों पर निरीक्षण किया, यात्रा के दौरान कावड़ियों के लिए व्यवस्थाओं का लिया जायजा। वाराणसी के लोगों के लिए खोला गया काशी विश्वनाथ दर्शन द्वार, सावन में आसानी से भक्त कर सकेंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। यूट्यूबर एलविश यादव से लखनऊ ED ऑफिस में पूछताछ, सांप तस्करी और रेप पार्टी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पूछताछ। दिल्ली के लाडो सराय इलाके में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, कॉल सेंटर से 9 महिलाओं सहित 20 लोग गिरफ्तार। यूपी के नोएडा सेक्टर 73 से 2 बच्चों के लापता होने के बाद एक्शन में आई पुलिस, 3 घंटे में बच्चों को बरामद कर परिजनों को सौंपा। यूपी के बहराइच में छेड़खानी के आरोप में 9 गिरफ्तार, पुलिस ने दी जानकारी। बिहार के दानापुर में सड़क हादसे में 3 लड़कों की मौत, 2 घायल, ऑटो से टक्कर के बाद डिवाइडर से टकराई बाइक। पटना में भीम आर्मी के लोगों का पुलिस पर लाठीचार्ज, आरक्षण समेत 12 मांगों को लेकर विधानसभा की ओर कर रहे थे कूच। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में आज बारिश का रेड अलर्ट, उधर कच्छ के नखत्राणा में बाढ़ के हालात। गुजरात के द्वारका में तेज बारिश के बाद गिरी 3 मंजिला इमारत, मलबे में 2 से 3 लोगों के फंसने की आशंका। हादसे के बाद मौके पर चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, JCB की मदद से हटाया गया मलबा। गुजरात के द्वारका में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया एरियल सर्वे। लगातार बारिश से सूरत में सड़कें बनी दरिया, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। चेन्नई के कई इलाकों में तेज बारिश, सड़कों पर जल जमाव, लोगों की बड़ी परेशानी। गुजरात के डांग जिले में मूसलाधार बारिश, लगातार बारिश से गिरमल वाटरफॉल लबालब, लोगों को वाटरफॉल के करीब नहीं जाने के लिए गाइडलाइन जारी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा 98 मिलीमीटर हुई बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
एमपी के बैतूल में सरकारी स्कूल में दिखा अव्यवस्था, बरसात में चपकते छत के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चे, एक कमरे में ही हो रही है 5 क्लास की पढ़ाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज देश को करेंगे संबोधित, बाइडेन बताएंगे कि अब आगे क्या होगा, वो अमेरिकी लोगों के लिए कैसे काम करेंगे। यूएस सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ली चीटल ने इस्तीफा दिया, ट्रंप की सुरक्षा में चूक को लेकर संसद में हुई थी पेश, चीटल ने माना ट्रंप की सुरक्षा में हुई चूक। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की रिव्यू पिटीशन, इमरान खान की पार्टी के लिए सीटें आवंटित करने पर जताया एतराज। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच आर्मी चीफ का बयान, जल्द सामान्य होंगे हालात। इसराइल ने गाजा के कई इलाकों को बनाया निशाना, वेस्ट बैंक पर हमले का वीडियो किया जारी। जल्द भारत में H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा शुरू, एयरबस ने टाटा ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर किया साइन। नेपाल को हराकर भारत वुमेन्स एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचा, तीसरे मुकाबले में नेपाल को 82 रन से मात दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 178 रन बनाए, टारगेट का पीछा करने उतरी नेपाल की टीम 96 रन पर ढेर। भारत के लिए शेफाली वर्मा की 48 गेंद में 81 रन की ताबड़तोड़ पारी, दयालन हिमलता ने 47 रन बनाए। नेपाल की ओर से सीता राणा ने सबसे ज्यादा 18 रन बनाए, 7 बल्लेबाज ढाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके, अरुंधति रेड्डी और राधा यादव को 2-2 विकेट मिले। वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान ने यूएई को 10 विकेट से हराया, सेमीफाइनल में पहुंचा। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने शुरू किया अभ्यास, कोच गौतम गंभीर भी मैदान पर रहे मौजूद।